भारत को आजादी के साथ साथ बंटवारे की आग भी सहनी पड़ी। पाकिस्तान के साथ साथ बंगाल के पूर्वी हिस्से को भी भारत से अलग होना पड़ा और उसका आधार था धर्म। धर्म के आधार पर ही जिन्ना ने मांग की भारत से निकले दो नए देशों की। पहला था आज का पाकिस्तान और दूसरा बांग्लादेश, जिसका नाम तब पूर्वी पाकिस्तान था। इन दो नए देशों में ना तो कोई भाषा संबंधी समानता थी और ना ही ये दोनों जमीनी तौर पर आपस में जुड़े थे। और इसी बात को देखते हुए पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने जवाहरलाल नेहरू से भारत के रास्ते इन दोनों देशों को जोड़ने की मांग की, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने ठुकरा दिया। पर क्या अगर एक देश के दो हिस्सों की भाषा, संस्कृति, जरूरतें और संसाधन अलग अलग ढंग से बांटे जाएं, तो क्या एकमात्र सड़क काफी होगी उन दोनों देशों को आपस में जोड़ने के लिए? पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान से कई मायनों में बेहतर था। पाकिस्तान की कुल जनसंख्या का 60% हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान में था। कुल निर्यात के 70% का उत्पादन पूर्वी पाकिस्तान में होता, पर बदले में पूर्वी पाकिस्तान को क्या मिला? कुल बजट का मात्र 30% पूर्वी पाकिस्तान में खर्चा जाता। वहां के लोगों से द्वितीय दर्जे के नागरिकों जैसा व्यवहार किया जाता और सरकार के बड़े पदों पर भी पूर्वी पाकिस्तान की दावेदारी जनसंख्या ज्यादा होने के बावजूद कम रहती। और इन सबसे भी ऊपर बांग्ला भाषा को पूर्वी पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा घोषित करने से पहले बांग्ला भाषियों और प्रेमियों को एक कड़ा लंबा संघर्ष करना पड़ा, जिसमें ना जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई। पश्चिमी पाकिस्तान के बेतहाशा सौतेले व्यवहार और अपनी पहचान को हर दिन पाकिस्तानी सरकार की क्रूरता के आगे धुंधला पड़ता देख बांग्ला भाषियों से रहा न गया और एक विरोध की आग ने जन्म लिया। और इस आग की पहली लौ का नाम था अवामी लीग, जो कि एक बंगाली राष्ट्रवादी पार्टी थी और इसका मुख्य उद्देश्य था स्वराज्य। अवामी लीग का उस वक्त नेतृत्व कर रहे थे शेख मुजीबुर रहमान। 1966 में अवामी लीग ने एक आंदोलन शुरू किया जिसका नाम था 6-point movement और इस आंदोलन में अवामी लीग द्वारा पाकिस्तान सरकार से 6 मांगें रखी गईं। पहली मांग, संघीय प्रणाली को मजबूत किया जाए। दूसरी मांग, रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के अलावा सभी क्षेत्रों में कानून बनाने का हक राज्य सरकारों के पास होना चाहिए। तीसरी मांग, पूर्वी पाकिस्तान की एक अलग मुद्रा और वित्तीय प्रणाली होनी चाहिए। चौथी मांग, टैक्स वसूलने का अधिकार राज्य सरकारों के पास होना चाहिए। पांचवी मांग, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान ज्यादा निर्यात करता है तो राज्यों के पास अधिकार होना चाहिए कि बाहरी देशों से जो भी आमदनी हो उनका रिजर्व राज्य सरकार अपने पास रख सके। छठी और आखिरी मांग, एक अलग फौज और एक अलग नौसेना। ये सारी मांगे लगभग नामुमकिन थीं, पर अवामी लीग और शेख मुजीबुर रहमान लगातार पाकिस्तानी सरकार पे दबाव बनाने की भरसक कोशिश कर रहे थे। और इसी दबाव को कम करने की चाहत में पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान ने मुजीबुर रहमान को कुछ वक्त के लिए जेल में डालने का फैसला किया। उन्नीस तक पाकिस्तान में चुनाव नहीं हुए थे। कुछ नेताओं को सत्ता सौंपी गई तो कुछ आर्मी जनरल ने जानबूझ के हथियार ली। 1959 में अयूब खान ने याया खान को सत्ता सौंपी और याया खान ने सत्ता संभालते ही ये वादा किया कि वो पाकिस्तान में चुनाव कराएंगे और वो अपने इस वादे पे टिके भी रहे। 1970 में पाकिस्तान में चुनाव हुए और इन चुनावों में सीटों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर हुआ। 60% जनसंख्या वाले पूर्वी पाकिस्तान को कुल 162 सीट मिली, जबकि पश्चिमी पाकिस्तान को 138 सीटें। इसका मतलब था इस बार सरकार बनाने की ताकत भेदभाव और शोषण की आग में डूबे पूर्वी पाकिस्तान के पास थी।
चुनावों के होने का समय आया दिसंबर 1970 में, और उससे पहले ही बाढ़ और भोला नाम के चक्रवर्ती तूफान ने पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें लगभग 3 से 5 लाख बांग्लादेशियों की मृत्यु हो गई। और इतनी गहन परिस्थिति में भी याया खान ने अपने ही देश के दूसरे हिस्से की मदद के लिए नाम मात्र का प्रबंध किया, और साथ ही साथ भारत सहित कई अन्य देशों के मदद के प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया। पाकिस्तानी सरकार के इस निम्न स्तरीय व्यवहार का नतीजा पाकिस्तान के पहले चुनाव में साफ दिखा। मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग पूर्वी पाकिस्तान में 162 में से 160 सीटें जीत गई, और साथ ही साथ पाकिस्तान के पहले चुनावों में विजयी बढ़त बनाई। पर एक स्पष्ट बढ़त के बावजूद भी याया खान ने नेशनल असेंबली के उद्घाटन को स्थगित कर दिया, और धीरे धीरे फिर साफ हुआ कि याया खान की कोई नियत नहीं है शांतिपूर्ण तरीके से अपनी कुर्सी किसी और को सौंपने की। पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी के जुल्फिकार अली भुट्टो, मुजीबुर रहमान और याया खान के बीच कई बातचीत हुई, पर सब विफल। अंततः याया खान ने जुल्फिकार अली भुट्टो और मुजीबुर रहमान को जेल में डाल दिया, और शायद यही वो वक्त था जब पाकिस्तान ने खुद को अपने इतिहास की सबसे शर्मनाक हार की तरफ मोड़ दिया। मुजीबुर रहमान की गिरफ्तारी के बाद पूर्वी पाकिस्तान में जगह जगह दंगे और विरोध प्रदर्शन होने लग गए। साथ ही साथ अवामी लीग पूर्वी पाकिस्तान में एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाने लग गई, और 26 मार्च 1971 में अवामी लीग ने घोषणा करी कि अब हम पाकिस्तान से अलग हो रहे हैं, और इस बात से बौखलाए पाकिस्तान सेना ने शुरू किया ऑपरेशन सर्च लाइट, जो किसी कत्लेआम से कम नहीं था। अंधाधुंध गोलियां चलाई गई बांग्लादेशी लोगों के ऊपर, जिनमें मुख्यतः थे विद्यार्थी, लेखक, कलाकार, अवामी लीग के समर्थक और हिंदू। कुछ स्वतंत्र स्रोतों की माने तो इस नरसंहार में 3 से 5 लाख लोगों को मार दिया गया, और साथ ही साथ 2 से 4 लाख बंगाली महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। पर इन सब अत्याचारों ने बांग्लादेशियों को दबाने की जगह उनके अंदर की स्वराज्य की भूख को और बढ़ाया, और बांग्लादेश के आम नागरिक को हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया। और बांग्लादेश के लोगों ने मुक्ति बहिनी नामक सेना का गठन किया, जिसने गुरिल्ला वॉरफेयर की तकनीक को लड़ाई के दौरान अपनाया। जब ऑपरेशन सर्चलाइट चालू हुआ और पाकिस्तानी सेना और कुछ लोकल मिलिशियाज ने मिलकर कत्लेआम और औरतों का बलात्कार करना चालू किया, बहुत से बांग्लादेशी नागरिक डर के भारत में पलायन करने लग गए। उसके पहले तक भारत का नजरिया इस पूरी परिस्थिति पर न्यूट्रल था, क्योंकि उस वक्त भारत में खुद आज़ादी के कुछ आंदोलन चल रहे थे। नागा और मिजो आदिवासियों के साथ साथ असम के कुछ समूह भारत से अलग होने की बात कर रहे थे, और ऐसे में भारत का बांग्लादेश में आज़ादी की उठी मांग को समर्थन देना भारत की राजनयिक सोच में एक संघर्ष की स्थिति दिखा सकता था। पर जैसे जैसे बांग्लादेश में संघर्ष बढ़ता रहा, और ज़्यादा शरणार्थी बांग्लादेश से भारत आने लगे। कई सूत्रों की माने तो ऑपरेशन सर्चलाइट के दौरान लगभग 1 करोड़ शरणार्थी बांग्लादेश से भारत आए, और इसने बांग्लादेश से सरहद साझा करने वाले कई भारतीय राज्यों पे भिन्न भिन्न स्तरों पे काफ़ी ज़्यादा तनाव डाला। बावजूद इसके भारत ने अपने दरवाजे शरणार्थियों के लिए कभी बंद नहीं किए, और साथ ही साथ भारतीय सेना और पूर्वी पाकिस्तान में कुछ सेना अधिकारियों ने मिलकर शरणार्थी शिविर में बांग्लादेशी नागरिकों को प्रशिक्षण देना चालू किया, जिसके बाद वो मुक्ति बहिनी का साथ दे पाए। समांतर समय में भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कूटनीतिक तौर पे पाकिस्तान को पछाड़ने की पुरजोर कोशिश की, और पाकिस्तान के उस नरसंहार की व्याख्या कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों से की, पर इसमें उनको सफलता नहीं मिल पाई। और अंततः इंदिरा गांधी ने अप्रैल 1971 के अंत तक यह ऐलान किया कि वो बांग्लादेश के लोगों के साथ है, और जो लोग आज़ादी का समर्थन करते हैं भारत उनके साथ खड़ा है। और इसके साथ ही भारतीय सेना ने मुक्ति बाहिनी को प्रशिक्षण देना और गुप्त रूप से हथियार देना भी चालू किया। पर अगले कुछ महीनों तक भारत ने प्रत्यक्ष रूप से किसी भी लड़ाई में हस्तक्षेप नहीं किया, और उसका एक बहुत बड़ा कारण था मानसून। क्योंकि बांग्लादेश में कई सारी नदियां हैं और साथ ही साथ सुंदरबन का दलदल, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय फौज के लीडर सैम मानेकशॉ ने उस वक्त सेना को सीधे तौर पर युद्ध में जाने से मना किया। पर नवंबर के महीने तक ये साफ हो चुका था कि शायद युद्ध को टालना संभव नहीं है, और दोनों देशों ने अपनी सेनाओं को सीमा पर इकट्ठा करना चालू कर दिया। आई एम विंग कमांडर जय सिंह गहलावत, वॉज कमीशन इन द एयरफोर्स इन डिसम्बर 1967
and posted to 221 Squadron of Vampires as the first posting. My name is Ian Cardozo. I was commissioned on the 8th of June 1958 into the 1st Battalion, the 5th Gurkha Rifles, 24th Force. My name is Vijay Sarthi. January 1966, I was commissioned in 5th Battalion, Madras Regiment. I'm Colonel Krishnamurthy, commissioned in 1953. I joined the 1st Garhwals at Shillong. My name is Sir Vijay Kumar, Naib Sudha, retired from Madras Sappers. And I joined in the Army in 1962, the China Emergency. Mera naam P. Kupan. May 19 November 1961 mein इंडियन आर्मी एमईजी में ज्वाइन हुआ है। जहां पश्चिमी सीमा में दोनों सेनाएं युद्ध के बहुत करीब थीं, वहीं पूर्वी पाकिस्तान में भी सेनाओं की टुकड़ियों के बीच कई झड़प हो चुकी थी। पर युद्ध की गहराई को एक नई ऊंचाई तब मिली जब 3 दिसंबर 1971 में पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुर, पठानकोट, जोधपुर, अम्बाला और आगरा में स्थित भारतीय एयर बेसिस पे हमला किया। On the 3rd of December 1971, we were playing a game of squash in Pathankot, where I was posted with the 27th Squadron of the Air Force, when we heard a bang. We initially thought it was a supersonic bang of an aeroplane, but later on when we came out, we saw the mushroom of the bomb which had burst and knew that we had been attacked by the enemy. And we launched our first mission early morning on the 4th. पर क्योंकि इंडियन एयरफोर्स को पहले से ही इस हमले की आशंका थी और हम इसके लिए तैयार थे, इसी वजह से हमले से भारत को कुछ नुकसान नहीं हुआ और पाकिस्तानी विमान अभी वापस लौट भी नहीं पाए थे। तभी आगरा से कैनबरा बॉम्बर्स ने पाकिस्तान में हमला करने के लिए उड़ान भरी और उन्हीं बॉम्बर्स ने पाकिस्तान में चंदेरी, शोरकोट, सरगोदा, मूरी, म्यानवाली, मसरूर, रिसालवाला और लाहौर के चंगामंगा में हमला किया। और इसके बाद भारतीय वायुसेना ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और इस युद्ध में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे ज़्यादा हवाई हमले हुए। भारतीय वायुसेना के इस गौरवशाली प्रदर्शन को आज भी फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिखों के नाम से याद किया जाता है। 14 दिसंबर को श्रीनगर के एयरफोर्स बेस को निशाना बनाने के लिए पाकिस्तान के 6 F-86 सेबर जेट्स ने उड़ान भरी, पर जैसे ही इसकी खबर श्रीनगर एयरबेस तक पहुंची, फ्लाइट लेफ्टिनेंट बीएस गुमन और निर्मलजीत सिखों ने दुश्मन का सामना करने के लिए उड़ान भरी और वीरता से लड़ते हुए अपने प्राणों की चिंता किए बिना 2 पाकिस्तानी सेवर जेट को निशाना बनाया और बाकी के विमानों को भगाने में कामयाब हुए। और इसी वीरता के चलते मरणोपरांत उन्हें भारत के सर्वोच्च शौर्य सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया। इस युद्ध की शुरुआत भले ही वायु हमले से हुई हो, पर सीमाओं के दोनों तरफ सेनाओं की तैयारी महीनों से चल रही थी। हमारा टास्क माइन लेइंग, वाटर सप्लाई पूरा ट्रिप्स के लिए, इंडियन ट्रिप्स के लिए वाटर सप्लाई, माइन लेइंग और ब्रिज बनाना है, वेट ब्रिज या ड्राई ब्रिज, पानी में भी करना है, अगर ड्राई ब्रिज है ड्राई में भी करना है, वो भी ड्यूरिंग नाइट में ही करना है ऑपरेशन का टाइम पे। 4 दिसंबर की रात 59 पाकिस्तानी टैंक्स ने राजस्थान की सीमा की तरफ अपना रुख किया और भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा पिलर 638 को पार किया। इस पिलर 638 के पास थार रेगिस्तान में स्थित है एक गांव जिसका नाम है लोंगेवाला, जहां पे पंजाब रेजिमेंट की एकमात्र कंपनी 23 पंजाब रेजिमेंट थी, जिसको लीड कर रहे थे मेजर चांदपुरी। जैसे ही उनको खबर मिली कि पाकिस्तान सेना उनकी तरफ बढ़ रही है, उन्होंने अपने बटालियन हेडक्वार्टर्स को मदद भेजने के लिए कहा और तब तक उन्होंने अपने सैनिकों को अपनी पूरी जान लगा के पाकिस्तानी सैनिकों को रोकने के लिए पोजीशन कर दिया। लगभग 5:30 बजे लोंगेवाला की लड़ाई की शुरुआत हुई और लड़ाई के शुरू होने के कुछ क्षण बाद ही पंजाब रेजिमेंट के सैनिकों ने पाकिस्तान के एक T-59 टैंक को निशाना बनाया, जिसमें पाकिस्तानी सेना के बड़े अधिकारी थे। एक अत्यधिक मुश्किल लड़ाई के बावजूद मेजर चांदपुरी के प्रतिनिधित्व में 23 पंजाब रेजिमेंट के वीर सैनिकों ने पाकिस्तानी सेना को भारी भरकम टैंक और हथियारों से लैस होने के बावजूद लोंगेवाला को जीतने नहीं दिया। पश्चिमी भाग में युद्ध शुरू होने के साथ ही
4 दिसंबर से पूर्वी पाकिस्तान, जहां आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, भारतीय सेना ने सीधे तौर पर आक्रमण करना चालू किया। पूर्वी पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश है, युद्ध के नज़रिए से एक कठिन इलाका माना जाता है। असंख्य नदी नाले और दलदल का सामना करना पड़ा भारतीय सेना को जब उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान की तरफ रुख किया, और इस कठिन लड़ाई में भारत के लिए सबसे ज़्यादा कारगर साबित हुए सोवियत के द्वारा बनाए गए PT-76 टैंक। PT-76 एक लाइट टैंक है जिसमें मुख्य हथियार के तौर पे 76.2 mm की D-56T सीरीज की राइफल टैंक गन का इस्तेमाल हुआ, और इन बड़े टैंकों के अंदर एक बार में 12 जवानों तक को समायोजित किया जा सकता था। भारतीय सेना और वायुसेना के साथ कंधे से कंधा मिलाया भारतीय नौसेना ने। युद्ध के शुरू होने के बाद पाकिस्तान की सबसे आधुनिक पनडुब्बी PNS गाजी विशाखापट्टनम बंदरगाह के पास गुप्त रूप से बारूदी सुरंग लगा रही थी। 3 दिसंबर देर शाम जब गाजी में पाकिस्तानी अधिकारियों ने भारतीय पेट्रोलिंग बोट्स की आवाज़ सुनी, तब उन्होंने वापस जाने का फैसला किया, और वापस आते वक्त अपने ही द्वारा बिछाई गई एक सुरंग में विस्फोट के चलते PNS गाजी 2 हिस्सों में बट गई और पानी में डूब गई। ये युद्ध में पहली बार हो रहा था कि बिना गोली चले दुश्मन को इतना भारी नुकसान हो जाए। PNS गाजी के डूबने के बाद एक बात की पुष्टि और हुई कि यदि पूर्वी पाकिस्तान में हो रहे लगातार स्रोतों के बहाव को रोकना है तो पाकिस्तानी नौसेना पर हमला करना बहुत ज़रूरी है। 4 दिसंबर 1971 में भारतीय नौसेना की 3 गनबोट्स कराची बंदरगाह की तरफ कूच करती हैं। पाकिस्तानी नौसेना का मुख्यालय कराची के बंदरगाह में स्थित था। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भी कराची सबसे ज़रूरी बंदरगाह माना जाता था, और इस युद्ध के दौरान पूर्वी पाकिस्तान में होने वाली हथियारों और सुविधाओं की ज़रूरत को पूरा करने में कराची का बहुत बड़ा हाथ था, और इस कारण किसी भी हालत में कराची बंदरगाह की नाकाबंदी बहुत ज़रूरी थी। 4 दिसंबर को तीनों भारतीय गनबोट्स कराची के दक्षिण में आ पहुंची, जहां से उन्हें अपना निशाना लगाना था। उसके बाद से भारतीय सैनिकों ने रशियन में बात करना चालू की, जिससे वो पाकिस्तानी जासूसों को भ्रमित कर सकें। INS निपट, INS निर्घट और INS वीर वो 3 मिसाइल बोट्स थी जिन्होंने उस दिन कराची बंदरगाह को तबाह कर दिया, और इनका साथ दिया INS पोषक जो कि एक ऑयलर है, और बैकअप प्रदान किया INS विद्युत ने। इस पाकिस्तानी सेना के हौसले को निस्त नाबूद कर देने वाले मिशन को नाम दिया गया ऑपरेशन ट्राइडेंट। और भारतीय नौसेना बस ऑपरेशन ट्राइडेंट के सफलता तक नहीं रुकी, बल्कि एक बार फिर 8 दिसंबर को कराची पे हमला किया, और इस बार तो सिर्फ एकमात्र मिसाइल बोट के साथ, जिसका नाम था INS विनाश। इस पूरे नौसेना हमले ने पाकिस्तान की कई मायनों में कमर तोड़ दी। एक तरफ पाकिस्तानी नौसेना की क्षति और दूसरी तरफ कई देशों से आने वाली मदद और पूर्वी पाकिस्तान में जाने वाले हथियारों और सुविधाओं पर विराम। पाकिस्तान इस हमले से पूरी तरह दंग था। पानी की लड़ाई में पाकिस्तान को एकमात्र उम्मीद की किरण तब दिखी जब उनकी फ्रांस निर्मित PNS हंगोर ने INS कुकरी को डुबो दिया, और ये एकमात्र समुद्री जहाज था जिसे भारतीय नौसेना ने युद्ध के दौरान खोया। उस लड़ाई में बचे हुए सैनिक आज भी बताते हैं कि INS कुकरी में डूबते वक्त कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला कितने सहज थे, और उन्होंने डूबते जहाज में ही रहने का फैसला किया। इस युद्ध में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले MN मुल्ला को मरणोपरांत महावीर चक्र से नवाजा गया। पूरब और पश्चिम में पाकिस्तान की लड़ने की रणनीति काफी अलग थी। पाकिस्तान ने पश्चिम में आक्रामक रवैया अपना रखा था ताकि पूर्वी पाकिस्तान में भारतीय सेना की आक्रामकता को कम कर सके। पश्चिम में उन्होंने अपने अमेरिका और चाइना द्वारा निर्मित आधुनिक टैंक के दम पे भारत के भिन्न भिन्न इलाकों पर हमले किए, पर सब निरर्थक, क्योंकि उन आधुनिक टैंक्स और तकनीक का सही प्रयोग करने के लिए पाकिस्तान सेना में नेतृत्व और सामंजस्य की कमी साफ दिखी। पर इसके उलट पूर्व में पाकिस्तान ने काफ़ी बचावपूर्ण रुख अपना रखा था, क्योंकि कहीं ना कहीं दुश्मन को अपना पूर्वी हिस्सा खोने का डर था। जब दोनों हिस्सों से युद्ध की शुरुआत हुई, पाकिस्तानी सेना ने पश्चिमी हिस्से से भारत में घुसपैठ की कोशिश की। युद्ध की शुरुआत होने से पहले ही पाकिस्तान ने जोगनी चौक और नवापिंड की 2 पोस्ट को कब्जा लिया, पर 5 दिसंबर को 6 गढ़वाल राइफल्स, जिसका नेतृत्व कर रहे थे लेफ्टिनेंट कर्नल कृष्णमूर्ति, उन्होंने पाकिस्तानी सेना को पीछे ढकेल दिया। और 5 दिसंबर को दिन में ही लेफ्टिनेंट राठौर और कैप्टन सिन्हा के नेतृत्व में भारतीय सेना के 2 प्लेटून्स ने नवापिंड में हमला करते हुए पाकिस्तानी सेना को पीछे ढकेला, जिसमें 40 पाकिस्तानी सैनिक या तो मार दिए गए या बंधक बना लिए गए, और बाकी सब भाग गए। युद्धबंदियों में पाकिस्तान के 26 गोल्ड मेडल जीतने वाले अंतर्राष्ट्रीय धावक सूबेदार अब्दुल खालिक भी शामिल थे, जो 8 मीडियम रेजिमेंट का हिस्सा थे,
उन्हें परिंदा एशिया के नाम से भी जाना जाता था। ये वही अब्दुल खालिक थे जिन्हें भाग मिल्खा भाग में मिल्खा सिंह का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी दिखाया गया है। बाद में उन्होंने अपनी पहचान साझा करी और भारत की शान और अपने प्रतिद्वंदी मिल्खा सिंह से मिलने के लिए भी कहा। अंततः उन्हें बाकी युद्ध बंदियों के साथ रिहा कर दिया गया। जिस पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक करके खुद इस हमले को चालू किया था, अब वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाके भारत के साथ नेगोशिएशन करना चाहता था, और यही कारण था कि भारत के पास समय बहुत कम था। भारतीय सेना के कमांडर्स को 15 दिन का वक्त दिया गया ढाका को जीतने के लिए। We were tasked to enter Bangladesh from a place called Hatibanda and proceed down south towards Dhaka as fast as possible. It was a day and night operations. We really don't know. We rarely slept. We rarely ate. The constant movement was there. We had to cross number of rivers and rivulets. We had no equipment to cross. Boats were not available. But the locals, they came to our rescue, and every stage they helped us out. Lot of logistics. The locals used to carry our weapons, ammunition, and they used to bring forward. Lot of cooperation because it was an uprising, and Indian Army were seen as liberators. और इसके बाद भारतीय अधिकारियों ने सीधे ढाका की तरफ कूच किया, और इसमें उनकी मदद की मुक्ति वाहिनी के लड़ाकों ने, जिन्होंने लगातार पाकिस्तानी सेना को पूर्वी पाकिस्तान के अलग अलग क्षेत्रों में छकाए रखा। ढाका की तरफ कूच करने से पहले 7 दिसंबर को भारत ने अंजाम दिया अपने पहले हेलीबोर्न ऑपरेशन को, जिसकी योजना बनाई गई जनरल सगत सिंह के द्वारा, और इसको अंजाम दिया गया भारतीय वायुसेना की एक टीम और गोरखा राइफल्स के द्वारा, जिसका नेतृत्व कर रहे थे लेफ्टिनेंट कर्नल एबी हरोलिकर और मेजर इयान कार्डोजो। गोरखा बटालियन को कई सारे हेलीकॉप्टर्स के द्वारा सिलहट के युद्ध क्षेत्र तक पहुंचाया गया। बहुत ही पर्याप्त संसाधन और हथियारों के साथ गोरखा बटालियन ने वो लड़ाई युद्ध के अंत होने तक 9 दिन लड़ी। उस वक्त BBC ही सबसे ज़्यादा भरोसेमंद ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन हुआ करता था, और जब 1971 में सिलहट में गोरखा बटालियन उतरी, BBC ने रिपोर्टिंग करते वक्त एक गलती कर दी और ये घोषणा की कि सिलहट में गोरखा ब्रिगेड उतरी है। इस खबर को सुनके सिलहट में पाकिस्तानी सेना घबरा गई, और इस गलत खबर का फायदा भारतीय सेना को हुआ। अंततः 9 दिन की लड़ाई के बाद 7,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसमें कि 3 ब्रिगेडियर और 108 अधिकारी थे। I joined the battalion when it was being lifted to Sylhet in India's first heli-borne operation. We landed at Sylhet, but the heli lift could take only approximately half a battalion. And while we were there, we were attacked by the enemy. We were told also that we would be reinforced within 48 hours. So, once we landed at Sylhet, we were fighting for our lives. But the reinforcement which was to come within 48 hours never took place. We fought with the enemy for 9 days and 9 nights without food, without water, and very limited ammunition. इस युद्ध में भारत की सफलता का अहम हिस्सा भारत की रणनीति और युद्ध के पहले की तैयारी भी थी, और इसी तैयारी का एक अहम हिस्सा थी BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। पूर्वी पाकिस्तान में भारतीय सेना के आवागमन से लेके दलदल, नदी और नालियों को पार कराने तक का काम BSF ने किया। इसके साथ ही युद्ध की शुरुआत होने से पहले BSF ने पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना का ध्यान बटाए रखा, और छोटे हथियार जैसे कि राइफल और मोर्टार के दम पे लगातार छोटे मोटे हमले करते रहे। पहले स्वतंत्र रूप से पाकिस्तान की सेना को व्यस्त रखा, और फिर भारतीय सेना के पहुंचने के बाद सेना के आदेशों पर काम किया। जैसे ही भारतीय सेना के कमांडर्स को खबर मिली कि समय बहुत कम है, उन्होंने चारों तरफ से पूर्वी पाकिस्तान को घेरना चालू किया, जिससे वो पूर्वी पाकिस्तान के दिल ढाका तक पहुंच सके। और इस बात का आभास अब पाकिस्तान और उसके समर्थकों को भी हो गया था कि शायद पाकिस्तान इस युद्ध में बहुत पीछे छूट चुका है। पर तभी सोवियत इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट से पता चला कि ब्रिटिश नौसेना भारत के इलाके के काफी करीब आ रही है। इसका नेतृत्व कर रहा है एयरक्राफ्ट कैरियर ईगल। इसके पहले इंडियन इंटेलिजेंस को यह बात पता चली थी कि अमरीकी नौसेना की 7th फ्लीट युद्ध क्षेत्र की तरफ बढ़ रही है, पर इन दोनों बड़ी शक्तियों की नौसेना का भारत के इतने करीब आ जाने के बाद भी भारत घबराया नहीं। और उसका कारण था 1970 में सोवियत यूनियन के साथ साइन हुई इंडो सोवियत सिक्योरिटी ट्रीटी, जिसके अंतर्गत सोवियत भारत की रक्षा करने के लिए बाध्य था अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय खतरा भारत पे मंडराता है तब। जिसके बाद दिल्ली से ये संदेश सोवियत को पहुंचाया गया कि अब खुफिया प्रावधान को सक्रिय करने का समय आ गया है,
15 दिसंबर को ये खबर आती है कि अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS एंटरप्राइज बंगाल की खाड़ी में दाखिल हो चुका है। दिसंबर 15 और 16 की उस रात को INS विक्रांत और तीन साथी जहाज चिटेगोंग के दक्षिण इलाके में पेट्रोलिंग करते रहे। अंतिम क्षणों में USS एंटरप्राइज ने अपनी दिशा बदली और अमरीका ने निर्णय लिया कि वो इस युद्ध का हिस्सा बनना नहीं चाहते हैं। और इसका एक और कारण यह भी था कि बिना किसी को पता चले सोवियत की एक न्यूक्लियर पनडुब्बी बंगाल की खाड़ी में आ चुकी थी और ध्यानपूर्वक नजर बनाए हुई थी कि अमरीकी करना क्या चाहते हैं। और इसी बात से घबरा के अमरीकी नौसेना और एयरक्राफ्ट कैरियर ने वापस जाने का फैसला लिया। ग्यारह दिसंबर को एक भारतीय पैरा बटालियन ढाका के पास तंगैल में उतरती है, जिन्हें स्थानीय लोगों द्वारा घेर लिया जाता है और बेतहाशा खुशी के साथ जश्न मनाया जाता है। अगले दिन और भी ज्यादा सैनिक और हथियार भारतीय सेना तक पहुंच जाते हैं और पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना तक सुविधाओं और हथियारों को पहुंचाए जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया जाता है। 14 दिसंबर तक भारतीय सेना ढाका की सरहद तक पहुंच जाती है, पर बावजूद इसके पाकिस्तानी सेना पूर्वी पाकिस्तान के कई सारे कस्बों में बसी हुई थी और उनका एकमात्र मकसद था कि इस युद्ध को ज्यादा से ज्यादा दिनों तक चलाया जाए। पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सैनिकों की संख्या लगभग 1,00,000 के आसपास थी और उनके पास इतने हथियार थे कि वो कई दिनों तक युद्ध को आगे खींचते रहे, और इसलिए भारतीय सेना को जल्दी कुछ ऐसा करना था जिससे पाकिस्तान तुरंत ही अपने घुटने टेक दे। 14 दिसंबर को ही मुक्ति वाहिनी के द्वारा पता चलता है कि आज एक बहुत जरूरी मीटिंग गवर्नर के घर में रखी गई है, जिसके बाद 4 MiG-21 गुवाहाटी से गवर्नर के घर में हमला करने के लिए उड़ान भरते हैं। पूर्वी पाकिस्तान में गवर्नर इस बात से इतना डर जाते हैं कि उसी वक्त इस्तीफा दे देते हैं और इंटरकॉन्टिनेंट होटल में जाके छुप जाते हैं। और वही था वो ऐतिहासिक पल जब पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी शासन और सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया और अंततः 16 दिसंबर को भारत ने पाकिस्तान को अपने हाथ खड़े करने पर मजबूर कर दिया। बांग्लादेश को आज़ादी मिली और भारत के लोगों और सेना को कभी ना भूला जाने वाला गौरवशाली इतिहास। In those 13 days of the war, I flew 16 missions and I was very pleasantly surprised to have been honored with the award of Veer Chakra by the President and also having been congratulated by the Prime Minister of India, Mrs. Gandhi, in the Central Hall of Ashoka at the Rashtrapati Bhavan. Our commanding officer was a very kind man, Colonel S.K. Rade, and he used to tell us that anyone puts a weapon down, as per our dharma, he will not be harmed. He's a surrendered man. He's no more a soldier, fighting soldier. So that was uppermost. His word was carried as a law in letter and spirit, and we implemented it. And not a single prisoner that we took was ever harmed. But there was a lot of anger against these fellows from the locals. They used to surround us. They will tell us, please hand them over to us and we will take care. So we had a dual task: capture the Pakistanis, defeat them, get their territory, move forward, and also get these fellows and then start protecting them from the locals. My most memorable recollection of what happened in 1971 at the Battle of Sylhet was that when I landed, there were 4 choppers landing us at the same time, and my Gurkha Jawans of my company, who were with me during the 1965 war, went from chopper to chopper looking out for Kartusa. I am known as Kartusa because Gurkha Jawans cannot pronounce Kartusa very properly. So when they found me, they put me on the shoulders. In the middle of that battle, there was arty shelling, there was mortar firing, there were MMGs, but they were very happy that I had come to them at this point of time. And they put me on their shoulders, started dancing and saying, Kartusap hoi ki hai na, Kartusap hoi ki hai na. I told them, please put me down. But that is the most memorable recollection I have of the Battle of Sylhet, because Gurkhas are very brave soldiers. And if they welcomed me in this manner, it also meant that they acknowledged that I was also brave. My army life has been a great blessing in my life. And it has not only made me a gentleman, it also has given me a pride of place in society. Now when I look back at my 22 years of service in the Indian Air Force, I find that was the best time of my life. And I wouldn't hesitate to join the Indian Air Force all over again, if given a chance. So I was 18 years old, I joined in the army.
when we are hearing those days, no media and all these things, we are hearing only radio messages in the Pakistan, China people are coming and attack the India and capture the India. So we are, my blood was boiled. Then I joined the army to fight the enemies. So I request all the youngsters, do that courage. This is our nation. We have to protect our nation. This is my message to the youngsters. Everybody should give that enthusiasm to fight for our nation. Bye.